Good morning, dear students. In last online video, we learn transport and communication, chapter number 22. And today we learn about chapter number 23, natural disaster. मतलब क्या? नैसर्गिक आपत्ति, नैसर्गिक संकट, आसमानी संकट. देखिए, अब natural disasters में क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर्स कैसे होती है, क्यों होती है, किसकी गलती की वजह से होती है, सब हमें यहाँ पे देखना है. और कौन कौन से ऐसे नेचुरल डिजास्टर. अब नेचुरल मतलब क्या? निसर्ग से होने वाली आपत्ति, उसे कहते हैं नेचुरल डिजास्टर. निसर्ग से अपने आप होती है ऐसी आपत्ति, जिसे हम कहेंगे नेचुरल डिजास्टर्स. देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको. क्या है? व्हिच थ्रेटनिंग नेचुरल इवेंट्स Which frightening natural events can be seen in the pictures above. देखो, यहाँ पे कुछ दो pictures दिखाई दे रहे हैं और उन pictures में क्या दिखाई दे रहा है आपको? उन्होंने क्या पूछा है आपसे कि ऐसे कौन कौन से यहाँ पे natural events आपको इस picture में दिखाई दे रहे हैं. देखिए, कौन से दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक पिक्चर में क्या है? ज्वालामुखी का उद्रेक हो रहा है. मतलब क्या? जमी भू से या जमीन से क्या हो रहा है? उद्रेक हो रहा है, आग बरसा रही है. और सेकंड पिक्चर में क्या है? देखिए, भूकंप आया है. अब भूकंप क्या होता है? भूकंप मतलब क्या होता है? हम जमीन के अंदर बहुत बड़े ऐसे उथल पुथल होती है. मतलब क्या होते हैं? उथल पुथल होने की वजह से क्या होते हैं? बड़े बड़े हमारे जो घर है वो घर गिरने लगते हैं. पेड़ पौधे प्राणी जानवर एनिमल सब क्या होते हैं? उन सब का डैमेज होता है. मतलब हमारी प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग मर जाते हैं, कहीं खो जाते हैं. बहुत ऐसी अलग अलग तरीके की इवेंट्स होती रहती है. अब देखिए, अब ये हुआ ज्वालामुखी का उद्रेक और ये हुआ भूकंप. अब देखिए, नीचे कुछ हमें कुछ पूछा गया है, उसके आंसर हमें देने हैं. Sometimes during the rainy season, बहुत बार क्या होता है? जब बारिश के दिनों में क्या होता है, देखिए. Suddenly there is a downpour which lasts for 2 or 3 days. बचे हुए 2 or 3 दिनों में क्या होती है? अचानक से बादल काले हो जाते हैं और बादल काले हो जाने की वजह से बारिश जोर से बारिश शुरू होती है. इतनी जोर की बारिश होती है कि जो हमारे गांव के पास या अगर कहीं पे भी अगर नदी हो, नदी फुल भर के बहने लगती है. सडनली मतलब क्या? एकदम से, अचानक, एकाएकी क्या होती है? वो नदी बहने लगती है. अब नदी क्यों बहने लगती है? क्योंकि बारिश बहुत जोरों की होती है. इट मे इवन ओवरफ्लो इट्स बैंक्स एंड एंटर नियर बाय सेटलमेंट्स. इतना ही नहीं, उस नदी का पानी क्या होता है, नदी का जो किनारा होता है उस किनारे को लांग कर गाँव में या नदी के किनारे पे जो सेटलमेंट होती है, मतलब वसाहती होती है, उन वसाहती में या बस्तियों में घुस जाता है. What is the name given to such a rise in the level of river water? अब नदी के पानी की ये जो पानी की जो लेवल है, वो लेवल बढ़ती है, इसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं इसे? बाढ़. बाढ़ मतलब क्या? जिसे हम मराठी में बोलते हैं पूर और इंग्लिश में बोलते हैं फ्लड. देखिए, उसे हम फ्लड बोलते हैं. नेम टू प्लेसेस इन महाराष्ट्र वेयर अर्थक्वेक्स हैव ऑकर्ड. अब महाराष्ट्र में ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे भूकंप बार बार होते हैं. ऐसे कौन से प्लेसेस है? जैसे कि हमें पता है कि लातूर जिले के किलारी, ये जो क्या है, एक भूकंप का स्पॉट है. 1993 में यहाँ पे बहुत बड़ा, रात को बहुत बड़ा भूकंप हुआ था किलारी में, लातूर जिले के किलारी में. और तब बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनिमल्स, हमारी प्रॉपर्टी सबका नुकसान हुआ था. और महाराष्ट्र के लातूर के साथ और एक है उस्मानाबाद. उस्मानाबाद में, इस जिले में भी बहुत सारे भूकंप बार बार होते रहते हैं. एन अर्थक्वेक अंडर द सी गिव्स राइज टू वेरी हाई वेव्स. देखिए, अर्थक्वेक जब होता है तब क्या होता है? जो हमारे समुन्द्र में जो लहरें हैं, वो लहरें क्या होती है, जो वेव्स है, वो वेव्स बहुत ही बड़े होते हैं. व्हाट आर दिस गिग्नेटिक, और इन जो गिग्नेटिक वेव्स है, इन गिग्नेटिक वेव्स को क्या कहा जाता है?
जो बड़ी बड़ी लाट होती है, बड़ी बड़ी लहर होती है, उसे कहा जाता है सुनामी की लाट। सुनामी भी आपने अभी आपने सुना है, लेकिन देखिए मैं अभी आपको फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी के बारे में आगे डिटेल में बताऊंगी। तब तक हमें सबसे पहले क्या देखना है, नेचुरल डिजास्टर्स। अब नेचुरल डिजास्टर्स हम किसे कहेंगे? मेनी अ टाइम, बहुत बार वी हियर ऑफ सीरियस मिसहैप्स, हम सुनते हैं कि गंभीर ऐसा हमें शाप मिलता है। एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक हैपन्स हियर, अ फ्लड ऑकर्स समवेयर एल्स। ऐसे कुछ जगह पे जहाँ पे अर्थक्वेक बार बार होते हैं, फ्लड बार बार होता है, ऐसी जगह पे अगर बार बार होता है तो हम उसे कहते हैं मिसहैप्स। मतलब क्या, वो उस गांव के लिए या उस जगह के लिए वो क्या हो जाता है, मिसहैप्स, मतलब शाप बन जाता है। और स्टॉर्म्स ऑकर इन वन प्लेस, एक ही जगह पे अगर बार बार स्टॉर्म होता है, अनदर प्लेस इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, या अलग किसी एक जगह पे अगर बार बार लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब क्या, बिजली कड़कती है यानी कि रोशनी होती है, तब उसे कहा जाता है वो क्या होते हैं, सीरियस मिसहैप्स, मतलब बार बार उसी जगह पे होना। देयर कैन बी अ लैंडस्लाइड और हेल स्टॉर्म, उसके साथ ही अगर बार बार एक ही जगह पे लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, और हेल स्टॉर्म मतलब क्या, गारपीट, जैसे हिंदी में बोलते हैं बौछार होती है बहुत, उससे क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टी का बहुत ही नुकसान होता है। ऐसे कुछ क्या होते हैं, सीरियस मिसहैप्स होते हैं। इन दिस इंसिडेंट्स, ऐसे कुछ मामलों में सेवरल पीपल आर इंजोर्ड, बहुत सारे लोग यानी कि कितने लोग क्या होते हैं, इंजोर्ड होते हैं। सम इवन लूज देयर लाइव, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। हाउस, हाउसेस कोलैप्स, हमारे घर पत्तों की पत्तों की तरह गिर जाते हैं। एनिमल्स डाई, जानवर मरते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप्स गेट्स डिस्ट्रॉयड, खेत में अगर खड़े खड़े जो हमारे क्रॉप्स है वो क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देयर इज ए ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। डे टू डे लाइफ इज डिस्टर्ब, और हमारी रोज की लाइफ, हमारी मतलब, और जहाँ पे ऐसे कुछ घटनाएं या इवेंट्स होते हैं, वहाँ के लोगों की सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इट टेक्स सेवरल डेज फॉर लाइफ टू गेट बैक टू नॉर्मल, और उनको उनकी जो लाइफ है वो लाइफ नॉर्मल तरीके से जीने के लिए बहुत सारे दिन लग जाते हैं। और न्यू टर्म डिजास्टर, अ वेरी सीरियस मिसहैप, ये क्या है, एक सीरियस मिसहैप है, वन इन विच पीपल और एनिमल्स कैन गेट इंजर्ड और डाई, आज इंसान और एनिमल्स इंजर्ड होते हैं या मरते हैं। क्रॉप्स एंड अदर प्रॉपर्टीज इज डिस्ट्रॉयड, क्रॉप्स और हमारी अदर प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारे घर गिर जाते हैं, इसे कहते हैं डिजास्टर। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, दिस एंड सम अदर मिसहैप्स हैव नेचुरल। अब जो मैंने अभी आपको कुछ मिसहैप बताए, ये जो कुछ मिसहैप्स है वो क्या है, नेचुरल कॉजेस की वजह से होते हैं। मतलब क्या, निसर्ग से ही कुछ उसमें उल्था पुलट होती है, उनसे हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है नेचुरल डिजास्टर। वी डू नॉट हैव इनफ नॉलेज अबाउट व्हेन एंड वेयर दे माइट हैपन, लेकिन जब भी ऐसे कोई नेचुरल डिजास्टर्स होती है या होने वाली होती है, तब उनके उसके बारे में हमें बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है। एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू प्रिवेंट देम, और इसीलिए हम जब ऐसे मिसहैप हो जाती है या ऐसे डिजास्टर्स होती है, तब हम खुद को या दूसरों को बचा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। वी मस्ट नॉट गेट फ्राइटन बाय सच डिजास्टर, और ऐसे कुछ डिजास्टर्स आने के बाद हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इंस्टेड इट इज मोर यूजफुल टू फाइंड आउट हाउ टू फेस सच डिजास्टर्स इफ इट हैपन, अगर ये जो डिजास्टर होती है या जब भी आती है, डिजास्टर मतलब क्या, अचानक होती है, ऐसे डिजास्टर जब भी आती है, तब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तो उस डिजास्टर को मुंह देना ही है, लेकिन तब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। मतलब क्या, अगर हम डर जाएंगे तो हम मर जाएंगे, और अगर हम मर गए तो हमारी फैमिली, हमारे गांव के लोग सब मर जाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, डिजास्टर्स क्यों होती है,
डिजास्टर होने के बाद क्या करना चाहिए, हमें हमारी जान कैसे बचानी चाहिए, दूसरों की जान कैसे बचानी चाहिए, लोगों को क्या सलाह देनी चाहिए, इसके बारे में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, जानकारी पूरेपूर होनी चाहिए, तभी हम इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। अभी हम अलग अलग जो नेचुरल डिजास्टर्स है उसके बारे में हम अगले ऑनलाइन वीडियो में देखने वाले हैं। अब तक हमने क्या देखा, सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स क्यों और कैसे होती है और कौन कौन सी है, अभी हमें उसके बारे में अलग अलग जो नेचुरल डिजास्टर है उनके बारे में हमें अलग अलग तरीके की जानकारी अगले ऑनलाइन वीडियो से लेनी है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैंने जो कुछ होमवर्क दिया है उस होमवर्क के आंसर भी आपको लिखने हैं। ओके।